हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस इसका चैप्टर 1, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस चैप्टर में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेज में जो है इसमें दिया है, एक फोटो दी हुई है, एक पिक्चर दी है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है, एक क्वेश्चन पूछा है, हैज दिस एवर हैपेंड टू यू, एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप जो है ग्राउंड में बैठ के खाना खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने टिफिन बॉक्स में, और वहाँ पे तभी जो है एक ईगल आती है और आपके टिफिन से जो है टिफिन बॉक्स से, ये जो है इसका टिफिन नीचे गिर गया है, बॉक्स से रोटी लेके उड़ के चली जाती है। जैसे ही रोटी लेके उड़ी है तो इस लड़के के हाथ से अपना टिफिन बॉक्स छूट के नीचे गिर गया है, वो यहाँ पड़ा हुआ है नीचे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है कि आप बैठ के प्ले ग्राउंड में लंच कर रहे हैं और ईगल जो है आपकी रोटी लेकर के उड़ गई हो। नेक्स्ट एक और पिक्चर दी है जिसमें एक जो है लड़का है और उसके बगल में एक डॉग सोया हुआ है। यहाँ पे लिखा है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स शुड अप एट वंस। उसके जो है अगर आप किसी सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरते हैं तो अगर उसके कान जो है गिरे हुए हैं तो कान जो है आहार से तुरंत खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से आगे पिक्चर में दिया हुआ है, बुक में अगले पिक्चर में दिया हुआ है, चींटियां जो है कुछ टुकड़ा गिरा है उसके पास, आसपास चींटियां इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, आपने कुछ जो है गिराया, ड्रॉप मतलब गिराना, आपने कुछ गिराया, स्वीट यानी मीठा, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कुछ मीठा गिराया, एंड विद इन मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट, और कुछ ही मिनट में बहुत सारी चींटियां वहां पे कलेक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई। आगे देखते हैं, फिर ये तीनों चित्र जो दिए हैं, तीनों पिक्चर्स जो दिए हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट वाली पिक्चर है, सेकेंड वाली पिक्चर है, थर्ड वाली पिक्चर है, ये पिक्चर सारी हमने ध्यान से देखी, सभी पिक्चरों में क्या हो रहा था। तो इसमें फिर क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज इट हैपन, ये क्यों हो रहा है, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है ये रोटी का टुकड़ा लेके उड़ गया, क्यों जब ये इसके पास से गुजर रहा था तो इसका एक कान खड़ा हो गया, और जैसे ही कुछ मीठा नीचे गिरा थोड़ी देर बाद वहां पे चींटियां कलेक्ट हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर है, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स के पास भी जो है अलग अलग सेंसेस होते हैं जैसे ह्यूमंस के पास होते हैं। एनिमल्स के सेंसेस देखेंगे, यहाँ पे एनिमल दिखा रखा है डॉग और यहाँ पे ईगल दिखाई हुई है। डॉग के पास नोज है, ईयर है, ये सेंसेस है, ईगल के पास भी आईज है जो बहुत दूर से देख सकती है। तो देखते हैं, दे कैन सी हियर टेस्ट स्मेल एंड फील, जो एनिमल्स होते हैं वो देख सकते हैं, सी दे आर हैविंग आईज, हियर दे कैन हियर वो सुन सकते हैं अपने कानों से, टेस्ट अपने टंग से टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल अपनी नोज से स्मेल कर सकते हैं, फील और अपनी स्किन से फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसके पास ईगल के पास जो है आईज है, इसमें हम नोज भी देख सकते हैं, ये इसकी नोज है। नेक्स्ट ये जो है एक कान इनका खड़ा रहता है, थोड़े टाइम भी अगर कोई आहट होती है तो इनका कान जो गिरा रहता है वो फिर से खड़ा हो जाता है। टंग है जिससे ये जो है टेस्ट कर सकते हैं, नोज है जिससे स्मेल कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, प्रे मतलब होता है शिकार, प्रे मतलब होता है शिकार, अपने शिकार को, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को बहुत दूर से भी देख लेते हैं, जैसे ईगल है, ईगल को ये अपनी जो है शिकार नीचे चल रहा होगा जमीन पे, कुछ चूहा या फिर जो भी चीज खाने वाली उसकी रहेगी, वो बहुत ऊपर से ही जो है नीचे तक देख लेते हैं अपने शिकार को। नेक्स्ट लिखा है इसमें, सम कैन हियर इवन द फेनेस्ट साउंड, बहुत ही धीरे सुनाई देने वाली आवाज को भी ये जो है सुन सकते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे डॉग। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने फ्रेंड्स को स्मेल करके यानी कि सूंघ के ढूंढ सकते हैं, स्मेल मतलब सूंघना। अगला देखते हैं इसमें, द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल एग्जाम्पल, फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, अमेजिंग सेंसेस से फुल है, किसी के पास अच्छी सूंघने की पावर, किसी के पास अच्छी जो है
सुनने की पावर है, किसी के पास अच्छी स्मेल करने की पावर है, तो अलग अलग सबके पास अलग अलग सेंस की जो है सुपर सेंसेस हैं, तो इस ये जो है इनको अमेजिंग सेंसेस बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, एक आंट दूसरी आंट फ्रेंड को कैसे पहचानती है। एन आंट वॉज गोइंग अलोन ऑन द ग्राउंड, एक जो है चीटी अकेले जा रही थी ग्राउंड पे, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उसने देखा कि दूसरी एक जो ग्रुप है दूसरे चीटियों का वो दूसरे साइड से आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, पहली आंट जो थी वो वापस अपने होल में आ गई। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, और जो गार्डिंग आंट थी जो अपने होल को गार्ड कर रही थी उसने सारी हो चीटियों को पहचाना और सभी चीटियों को रिकॉग्नाइज करके अपने होल के अंदर जाने दिया। नेक्स्ट, थिंक एंड टेल, नाउ हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। ये जो है ऊपर जो बताया गया उसमें बताया गया है कि एक होल है जहाँ पे सारी चीटें एक एक करके आ रही हैं, और यहाँ पे जो एक चीटी खड़ी है ये जो है गार्डिंग आंट है, ये सारी चीटियों को पहचानने के बाद अंदर जाने देती है, जो चीटियां इसके ग्रुप की नहीं होती है वो उसको अंदर नहीं जाने देती है। देन हियर इट्स क्वेश्चन कि ये जो चीटी है गार्डिंग आंट जो चीटी है ये कैसे पहचान रही है कि ये जो है आने वाली चीटियां उसके ग्रुप की हैं या नहीं। यहाँ पे देख रहे हो गार्डिंग आंट है, ये इन सभी चीटियों को अंदर जाने देगी अगर ये इसके ग्रुप की है तो, अगर इसके ग्रुप की नहीं है तो ये इसको रोक देगी। क्वेश्चन ये होता है कि ये कैसे पहचान पा रही है, तो आंसर इज आंट्स हैव एंटीना। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये जो बना हुआ है ये इसका एंटीना है, यहाँ पे दो एंटीना बने हुए हैं। आंट्स के पास क्या होता है, एंटीना होता है विच दे यूज टू स्मेल, जिसको यूज करते हैं स्मेल करने के लिए यानी कि सूंघने के लिए, टच टच करने के लिए, फील करने के लिए एंड कम्युनिकेट करने के लिए, छूने के सूंघने के लिए, छूने के लिए, महसूस करने के लिए और बात करने के लिए। ये अपने एंटीना से ही सारे काम करते हैं, सूंघने का भी, छूने का भी, फील करने का भी और कम्युनिकेट करने का भी विथ अदर आंट्स, दूसरी आंट्स के साथ। विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेशल सेंसेस द आंट्स कम टू नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, और इसी की हेल्प से जो है एक गार्डिंग आंट पहचान पाती है कि वो चीटी जो आ रही है होल में वो उनके ग्रुप की है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एन आंट्स एंटीना आर बेंट इन द मिडिल, दिस इज यूनिक टू आंट। यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके एंटीना है वो पूरा सीधे नहीं है, यहाँ पे जो है जा करके वो मुड़ जाते हैं, बेंट यानी मुड़ जाना, यहाँ से जा करके वो मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, ये जो है यूनिक है आंट में, एंट में ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दीज आंट, जो है ये गार्ड आंट होती है वो कैसे पहचानती है कि ये चीटियां उनके ग्रुप की हैं। इसका आंसर है द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दीज आंट बाय इट्स स्मेल, जो गार्ड आंट होती है वो उनसे कम्युनिकेट करके नहीं पहचानती, वो उनको स्मेल करके पहचानती है, और स्मेल कैसे करती है, अपने एंटीना से स्मेल करती है दूसरी चीटी को, एंट को, और फिर पहचानती है कि उसके ग्रुप की है या नहीं। नेक्स्ट, ट्राई दीज एंड राइट, क्या ट्राई करना है, ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम, कुछ भी आप मीठा लीजिए, जैगरी यानी कि गुड़ या फिर शुगर यानी कि चीनी लीजिए और उसे ग्राउंड पे या फिर ग्राउंड पे गिरा दीजिए या फिर टेबल पे रख दीजिए और वेट करिए जब तक कि चीटियाँ ना आ जाए। आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि गुड़ के पास जो हमने गुड़ गिराया सपोज वहाँ पे बहुत सारी चीटियाँ आ गई हैं। देन क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, कितना टाइम लगा। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अलग अलग टाइम आ सकते हैं, किसी के में 15 मिनट हो सकता है ये टाइम, किसी के में 5 मिनट हो सकता है ये टाइम, किसी के में 2 मिनट्स हो सकता है टाइम, तो सबका आंसर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हम एक आंसर लिख लेंगे, इट टुक अबाउट 15 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम, यहाँ पे जो है 15 से 20 मिनट लगे आंट को आने में, तो आंट जो है यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर,
क्या एक चींटी पहले आई थी या फिर सारी चींटियां एक साथ आ गई थी? आंसर इज वन आंट केम फर्स्ट एंड देन अ ग्रुप ऑफ आंट्स। आंसर ये है कि एक चींटी पहले आई, उसके बाद दूसरी चींटी, फिर तीसरी चींटी और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चींटियां आना शुरू हो गई। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड? आंट्स जो है फूड के साथ क्या कर रही थी, शुगर के साथ क्या कर रही थी? आंसर इज द आंट्स कैरीड द फूड एंड स्टार्टेड मूविंग अवे। जो आंट जो थी वो इसमें से टुकड़ा ले रही थी और वापस अपने होल की तरफ चलने लगी। नेक्स्ट, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहां से कहाँ जा रही थी? आंसर इज दे गो टू देयर होल्स। वो खाना लेकर के, मीठा गुड़ लेकर के अपने होल की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट, डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो एक लाइन में चल रही थी? आंसर इज यस, दे मूव ऑल इन वन लाइन। यस, दे ऑल मूव इन वन लाइन। वो सारी की सारी चीटियां जो हैं एक ही लाइन में चल रही थी। नेक्स्ट, यहाँ पे टीचर के लिए एक नोट दिया गया है। चिल्ड्रंस ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, एनकरेज देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। चिल्ड्रन शुड बी सपोर्टेड टू कैरी आउट ऑब्जर्वेशंस एक्टिविटीज विच रिक्वायर पेशेंस। सो चिल्ड्रंस के जो है एनिमल बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको एनकरेज करना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करवाना है उनसे, और चिल्ड्रन को जो है सपोर्ट करना है ऑब्जर्वेशन करने में, एक्टिविटीज करने में, और इन सब में बहुत टाइम लगता है। जैसे हमने ऊपर जो है गुड़ वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो गुड़ वाले एक्सपेरिमेंट में टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। वर्ल्ड जो है फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस है। नेक्स्ट, अगेन एक जो है एक्टिविटी टाइप से दिया है यहाँ पे, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब जब चीटियां अपना गुड़ लेकर के, शुगर लेकर के वापस जा रही हैं, तो हमें उनके क्या करना है, उनका जो जाने का रास्ता है उसको ब्लॉक कर देना है एक पेंसिल से, और फिर देखना है कि वो चीटियां क्या करती हैं। तो हमने जो है चीटियां जो जा रही थी उनका रास्ता जो है एक पेंसिल से ब्लॉक कर दिया है, और ये चीटियों का रास्ता जो है बीच में से बंद हो गया है। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि अब चीटियां क्या करेंगी? कुछ देर सोचने के बाद हम बता पाएंगे कि या तो चींटियाँ इधर से चले जाएंगी या फिर इधर से चले जाएंगी, या फिर हो सकता है इसके ऊपर से भी चढ़ के चले जाए। नेक्स्ट, कुछ देर बाद हम देखते हैं, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब देख सकते हैं हम कि चींटियाँ जो है पेंसिल के ऊपर से चढ़ के चली गई हैं, या पेंसिल के साइड से चली गई हैं, या पेंसिल के दूसरे साइड से चली गई हैं। वो किसी भी तरह से जो है बस एक डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चली गई हैं, चाहे कुछ भी बीच में रखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी इयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। पहले बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए चींटियों के साथ, चींटियों का रास्ता रोक करके, गुड़ गिरा के, चींटियां एक के बाद एक आई, अब बहुत सारी एक साथ आ गई। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला उसे, ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। उसे पता चला कि जैसे जैसे आंट्स मूव करती हैं, वो पीछे जो है एक स्मेल छोड़ते जाती हैं, ग्राउंड पे एक स्मेल बनती जाती है उस एरिया पे जिस एरिया से वो मूव करती हैं। और फिर क्या होता है, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और जो ये स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं पहली चींटियाँ, उसी स्मेल को फॉलो करती हैं अंदर चींटियाँ, जो उस उनके रास्ते को दिखाने के काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक द पाथ। अब तुम बता सकते हो कि जब हम चींटियां जो है अपना खाना लेकर के आ रही और जा रही थी, और जब हमने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो चींटियां साइड से या फिर उसके ऊपर से क्यों चली गई, ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर इज आंट्स मूव इन अ लाइन बाय सेंसिंग द स्मेल ऑफ द लीडिंग आंट। अब जो है जो चीटियां मूव करती हैं, हम जान चुके हैं कि वो जो ग्राउंड पे जो स्मेल छोड़ के जाती हैं पहले वाली चीटियां, उसको स्मेल करते हुए अदर चीटियां जाती हैं। तो जैसे ही हमने एंड्स जो है जा रही थी लाइन से, जैसे ही हमने जो है यहाँ पे रास्ता ब्लॉक किया, ये रास्ता ब्लॉक करने के बाद भी इन आंट्स को, यहाँ पे आने वाली आंट्स को यहाँ पे की स्मेल आ रही थी। मतलब ये था कि उन्हें इसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि ये दूसरी स्मेल इसी डायरेक्शन से आ रही है। तो अब इस डायरेक्शन में जाने के लिए वो रास्ते खोजेंगे, चाहे तो इसके ऊपर से चढ़ के चले जाए, चाहे इसके साइड से होके चले जाए, चाहे इस साइड से होके चले जाए।
तो वो किस तरह से रास्ता खोज पा रहे हैं, वो स्मेल को फॉलो करते हुए रास्ता खोज पा रहे हैं। नाउ व्हेन वी ब्लॉक देयर पाथ, जब हमने उनका रास्ता ब्लॉक किया, मूव इन अ लाइन अगेन बाय फॉलोइंग द स्मेल ऑफ द लीडिंग आंट। और इसीलिए जो है जब हमने उनका रास्ता ब्लॉक किया तो पहले जो आंट्स की स्मेल थी उसको सूंघते हुए जो है वो रास्ता पता करते हुए सीधी लाइन पे अपने चले गए। नेक्स्ट, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। ऐसे कुछ मेल होते हैं जो अपनी फीमेल आंट्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो मच्छर होते हैं वो ह्यूमन को या हम इंसानों को कैसे ढूंढ लेते हैं, इंसानों की स्मेल से। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो तीन तरीके से मॉस्किटोज जो हैं हमें हम तक पहुंच पाते हैं। पहला तो है हमारी स्मेल से, दूसरा है हमारे जो इस सोल की स्मेल होती है उससे, सोल की स्मेल मतलब ये जो नीचे तलवे से जो आती है, एंड हीट ऑफ योर बॉडी, और जो हमारे जो है हीट जो हमारे बॉडी से निकलती है, हमारा शरीर जो गर्म रहता है उसके आसपास की सराउंडिंग भी थोड़ी सी गर्म रहती है, तो हीट से जो है भी मॉस्किटो हम तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फ्लाई फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ये जो है एक सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा है, ये रेशम का कीड़ा जो है अपनी फीमेल को जो है किलोमीटर बहुत किलोमीटर्स दूर से भी पहचान लेता है। ये जो है रेशम का कीड़ा दिखाया है, ये मेल वाला कीड़ा है और ये फीमेल वाला कीड़ा है। मेल वाले के जो है पंख थोड़े से कम चौड़े हैं, फीमेल वाले के पंख जो है बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। तो ये जो है मेल जो है अपनी फीमेल को बहुत किलोमीटर दूर से भी उसकी स्मेल से खोज लेता है। नेक्स्ट, ये डॉग है, दिखाया है यहाँ पे कुछ सूंघ रहा है, स्निफ कर रहा है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। तुमने देखा होगा डॉग को इधर उधर सूंघते हुए, क्या कर रहा है वो डॉग ऐसे करके। आंसर इज डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग जो है अपना ओन एरिया मार्क करके रखते हैं रोड पे, अपना एरिया मार्क करके रखते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी और लेड। तो ये जो है अपना एरिया मार्क करके रखते हैं अपने यूरिन से, और बाद में ये पता करते हैं कि दूसरा डॉग इनके एरिया में आया था या नहीं। कैसे पता करते हैं, वो स्मेल करते हैं उस उनके दूसरे डॉग की यूरिन को या फिर पॉटी को, तो उनको पता चल जाता है कि दूसरा डॉग उनके एरिया में आया है। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल्स ऑफ डॉग्स। किस तरीके से जो इंसान है वो इनकी स्पेशल सेंस सूंघने की स्पेशल शक्ति को डॉग्स की कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है आंसर, दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग इज यूज बाय ह्यूमंस इन द फॉलोइंग वेज। दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। हमने पिक्चरों में देखा भी है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका कुछ एक अगर क्लॉथ मिलता है तो उसको कुत्ते को सूंघा देते हैं, और फिर कुत्ता जो है उस क्लॉथ को सूंघते सूंघते और रास्ता पता करते करते फॉलो करते करते क्रिमिनल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉर डिटेक्टिंग अनडिजायरेबल थिंग्स और बॉम्ब्स। और ये डॉग्स को जो है बॉम्ब सुखाया जाता है, तो बॉम्ब्स की स्मेल सूंघ के वैसे ही बॉम्ब ढूंढने में जो है मदद कर सकते हैं। तो ऐसा जो है डॉग्स की हेल्प से किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम डॉग्स की सुपर सेंस का यूज कर रहे हैं, यानी कि उसकी सूंघने की शक्ति का, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका हेल्प जो है इन सब में किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारा सूंघने का शक्ति तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट हैज समथिंग इज बर्निंग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स की हमें लिस्ट बनानी है कि जब हमें लगता है कि जब हमारी जो नाक है ये जो हमारी सूंघने की शक्ति है उसका हम अच्छा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है
कि हमारी नाक का इसमें सूंघने की शक्ति का, हम इसमें करने का जो शक्ति का जो है सुपर सेंस का यूज तब कर पाते हैं ये पता करने के लिए कि फूड अच्छा है या खराब हो गया है। और ये भी पता करने के लिए कर पाते हैं कि कुछ जल रहा है, कुछ जलता है तो हमारे नाक को स्मेल आती है और फिर हम बता पाते हैं कि हाँ कुछ जल रहा है आसपास, और फिर हम उठ करके देखते हैं। आंसर इज आवर सेंस ऑफ स्मेल कैन बी हेल्पफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमारे सेंस ऑफ स्मेल एक्सीडेंट्स होने से बचा सकती है इन केस ऑफ गैस लीक, बर्निंग वायर्स एक्सेट्रा। तो कहीं पे गैस लीक हो रही है तो हमें पता चल जाता है सूंघने से, कहीं पे तार चल रहा है तो भी हमें सूंघने से पता चल जाता है। तो इस केस में हमारी जो सुपर सेंस है नोज वाली है स्मेल करने वाली, वो बहुत ही हेल्प करती है एक्सीडेंट होने से बड़े। नेक्स्ट, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम लिखो जो एबल, नेम द एनिमल्स दैट वो यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। ऐसा कुछ एनिमल का नाम लिखो जिसे हम स्मेल से पहचान सकते हैं उन्हें बिना देखें। आंसर इज वी कैन रिकॉग्नाइज डॉग्स, कैट, फिश एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल। हम जो है डॉग्स को, कैट्स को, फिश को, इन सबको हम उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक। तो यहाँ पे दो फेसेस बने हुए हैं, एक जो है गुड स्मेल है जिसमें फ्लावर्स की स्मेल है और एक जो है बैड स्मेल है। तो हमें डिसाइड करना है फाइव हमें थिंग्स लिखनी है जिसकी जो है गुड स्मेल हो और बैड स्मेल हो। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग होंगे क्योंकि सभी के माइंड में अलग अलग आइडिया आएंगे। जैसे मैंगो की स्मेल गुड है, लेमन की स्मेल गुड है एंड गार्बेज की स्मेल बैड है एंड ड्रेनेज की स्मेल बैड है। तो ये सब जो है अलग अलग आंसर सबके लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखे हमने परफ्यूम जो हम छिड़कते हैं अपने बॉडी पे खुशबू के लिए परफ्यूम्स, उसकी स्मेल गुड होती है। वेट सॉइल भीगी हुई मिट्टी की स्मेल बहुत अच्छी आती है। रोज फ्लावर उसकी स्मेल अच्छी होती है। इंसेंस स्टिक धूप अगरबत्ती उनकी स्मेल अच्छी होती है। टेस्टी फूड्स अच्छे खाने की स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। आई डो नॉट लाइक द स्मेल ऑफ सीवेज जो गटर सिस्टम होता है उसकी स्मेल बहुत बैड होती है। केरोसिन ऑयल उसकी भी अच्छी स्मेल नहीं होती है। डेड एनिमल्स उनकी स्मेल जो मरे हुए जानवर होते हैं। स्टेंगेंट वाटर जो रुका हुआ पानी होता है बहुत दिनों से उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती। रोटन वेजीज और फ्रूट सड़े हुए सब्जियाँ और फल उनकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट डिस्कस, अब ये सारे आंसर लिखने के बाद हमें कुछ डिस्कस करने के लिए बोला गया है। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हूज। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फैमिली मेम्बर के कपड़ों से स्मेल आती है? तो पूछे इसने कौन से फैमिली मेम्बर्स के कपड़ों से स्मेल आती है। घर अपने अलग अलग घरों में अलग अलग इसके आंसर हो सकते हैं। किसके में सिस्टर हो सकता है, किसके में फादर, किसके में ब्रदर, किसके में मदर। तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं यहाँ पे। यस व्हेन माई फादर्स कम्स बैक होम फ्रॉम हिज जॉब हिज क्लॉथ स्मेल अनप्लीजेंट। जब पापा काम से आते हैं तो उनके कपड़ों से बहुत ही स्मेल आती है अनसीजेंट सी, जो अच्छी नहीं होती है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस? क्या तुम क्राउडेड प्लेस में किसी स्मेल से गुजरे हो? सच एज फेयर, बस, ट्रेन, मतलब जैसे कोई मेला हो उसमें कभी स्मेल आई हो, कभी बस या ट्रेन में कभी स्मेल आई हो। सो आंसर इज अगर आप इन जगहों से गए हैं तो ऑफकोर्स स्मेल आई होंगी। यस आई हैव कम अक्रॉस सम फॉल स्मेल इन अ क्राउडेड बस। बहुत ही ज़्यादा बस में भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाली जगह रहती है तो वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आती है उमस जैसी। दिस इज पीपल्स बॉडी ऑडर और स्मेल ऑफ स्वेट। ये जो स्मेल होती है एक अजीब सी स्मेल, वो लोगों के जो आसपास भीड़ में जो लोग हैं उनके पसीने की उड़ने की स्मेल होती है, जो इवेपोरेट होता है, पसीना उड़ रहा होता है बॉडी से, उसी की स्मेल होती है। नेक्स्ट, वाई सो, ये तीनों ये एक्टिविटीज क्यों हुई? किसी के कपड़े से क्यों बैड स्मेल आ रही है? जब हम भीड़ में तो क्यों बैड स्मेल आ रही है? नेक्स्ट आंसर है
उसका आंसर के लिए जो है एक कहानी भी है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। रजनी जो है एक लड़की है, उसे जो है बाहर जाना पड़ रहा है कुछ काम से। शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन, और उसका जो है 6 मंथ ओल्ड सन है, उसको जो है उसको छोड़ना है। ओल्ड सन उसको साथ नहीं ले जा सकती, जिसका नाम है दीपक, विथ हर सिस्टर सुशीला। और इस ओल्ड सन को, 6 मंथ ओल्ड सन को वो जो है अपने सिस्टर सुशीला के पास छोड़ेगी, क्योंकि उसे जो है बाहर जाना है काम से। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी। सुशीला का ऑलरेडी एक जो है बेबी है, एंड द सेम एज का, उसी एज का। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। ये जो है बहुत ही फनी था, बहुत ही मजाकिया था कि दोनों जो बेबी थे दोनों ने एक साथ जो है पॉटी कर दिया। वो ये जो है छोड़ के चली गई है रजनी, अब ये सुशीला जो है इसके साथ है दोनों बच्चे, और दोनों ही बच्चों ने एक ही साथ जो है पॉटी कर दी। नाउ शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा और स्कार्फ। अब जब दोनों बच्चों ने पॉटी कर दी, तो इसकी जो डॉटर थी, इसकी तो इसने नैपी बहुत ही इजिली चेंज कर दी, पर जब इसने अपने बहन के, अपने सिस्टर के सन की यानी कि दीपक की जब नैपी चेंज करनी थी, तो उसने जो है यहाँ पे चित्र दिखाया, अपनी नोज को जो है स्कार्फ से कवर कर लिया, और बहुत ही मुश्किल से ही इसकी सन की नैपी चेंज कर पाए। नेक्स्ट थिंक एंड डिस्कस, क्या थिंक एंड डिस्कस करना। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन अप दीपक्स नैपी। सुशीला ने जो है अपनी नाक स्कार्फ से ढक ली थी जब वो दीपक की नैपी चेंज कर रही थी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, लेकिन उसने तब अपनी नोज कवर नहीं की थी जब वो अपनी डॉटर की नैपी चेंज कर रही थी। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, ऐसा उसने क्यों किया। सो आंसर इज मे बी दीपक्स नैपी इज डर्टी विथ पॉटी, बट हर डॉटर्स नैपी हैड पी ओनली एट द सेम स्मेल ऑफ पॉटी इज मोर अनरीजेंट एंड पी। सो सुशीला हैड टू कवर हर नोज वाइल क्लीनिंग दीपक्स नैपी, बट नॉट वाइल क्लीनिंग हर डॉटर्स नैपी। ऐसा हो सकता है कि दीपक की नैपी जो है बहुत ही गंदी हो पॉटी से, बट उसकी डॉटर की नैपी जो है उसमें बस पी लिया करा हो। एज द स्मेल ऑफ पॉटी इज मोर प्रेजेंट, और पॉटी की स्मेल बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, इसीलिए जो है सुशीला को अपनी नाक कवर करनी पड़ी। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील वैन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप ऑफ गार्बेज मतलब कचरे का पहाड़ जो रहता है उसे हीप ऑफ गार्बेज बोलते हैं। कैसा लगता है जब आप एक कचरे के पहाड़ के पास से गुजरते हैं। तो थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड्स द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो इस गार्बेज में से, इस कचरे के पहाड़ में से दिन भर कुछ ना कुछ चुगते रहते हैं। उन्हें कैसा लगता होगा जब हम इसके पास से गुजर भी नहीं सकते, तब वो बच्चे जो इस पे से कुछ सामान उठा रहे होते हैं, वो दिन भर कैसे रहते हैं इतनी बैड स्मेल के साथ। आंसर इज आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। मुझे बहुत ही गंदा लगता है जब मैं किसी गार्बेज के पहाड़ के पास से गुजरती हूँ। द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज मे नॉट फाइंड इट दैट बैड, दे हैव बिकम यूज्ड टू स्मेल ऑफ द गार्बेज। अब जो बच्चे यहाँ पे डेली कचरा चुगने के लिए आते हैं, उन्हें ये स्मेल उतनी बुरी नहीं लगती है जितना कि हमें लगती है, क्योंकि वो बच्चे डेली यहाँ पे आते हैं कचरा उठाने के लिए, और उन्हें इस स्मेल की आदत लग चुकी होती है। तो इसीलिए हम जो है वहाँ पे से अगर गुजरते हैं तो हमें बहुत ही हार्ड लगता है, और उनके लिए उतना हार्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट, इज द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या स्मेल जो है गुड या बैड होती है सभी के लिए, या फिर ये डिपेंड करता है कि दूसरे उस स्मेल के बारे में कैसा फील करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन फील्स और थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो उस स्मेल के बारे में कैसा सोचता है। जैसे हमने इस हीप ऑफ गार्बेज के बारे में बताया, हीप ऑफ गार्बेज पे अगर हम इसके पास से गुजरते हैं तो हमारे लिए
बैड स्मेल रहेगी, एकदम ही ज्यादा बैड स्मेल रहेगी, क्योंकि हम उसके पास नहीं रहते हैं। और वहीं जो बच्चे इस पे डेली रहते हैं, डेली इसमें से कचरा उठाते रहते हैं, कुछ कुछ चुगते रहते हैं, उनको इस स्मेल की आदत हो गई है, तो उसके लिए उनके लिए बैड स्मेल नहीं रहे। नेक्स्ट, सुशीलास एग्जाम्पल इलस्ट्रेट अ कॉमन सिचुएशन इन फैमिली। सुशीला का जो एग्जाम्पल था नैपी चेंज करने वाला, वो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें फैमिलीज में देखने के लिए मिलता है। डिस्कस विद द चिल्ड्रन हाउ वी ऑफन फाइंड ए स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज फ्रॉम समथिंग डर्टी। इफ वी एनालाइज इट वी मे नॉट बी सो ऑफन बाय सर्टेन स्मेल्स। और जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई स्मेल जो है बैड है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये जो है बहुत ही डर्टी है, तो उसमें बैड होती है। ये सब जो है हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों से, क्या लगता है उन्हें क्यों बैड लगती है स्मेल, क्या सभी को वो स्मेल बैड लगती है। तो यहाँ से जो है बच्चे कुछ समझ पाएंगे कि एक स्मेल हो सकता है किसी के लिए गुड हो, किसी के लिए बैड हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। अब ये ऐसी बर्ड के बारे में पूछ रहा है जिस बर्ड के फ्रंट में आईज हो ना कि साइड में। तो हम ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके फ्रंट में आईज होती है? एक ही चिड़िया हमने ज्यादातर देखी, आउल। आउल जो है, एन आउल हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ये आउल जो होती है यानी कि उल्लू, इसकी जो दोनों आईज होती हैं वो उसके फ्रंट में होती हैं, मतलब सामने में होती हैं, सामने की तरफ। जैसे हमारी आंखें सामने की तरफ होती हैं, वैसे ही उल्लू की आंखें भी सामने की तरफ हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। वॉट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। ऐसे कुछ चिड़िया के नाम लिखने हैं जिनकी आंखें उनके बगल बगल में होती हैं, सामने में नहीं होती हैं। तो ऐसी चिड़िया हम बहुत सारे देखते हैं, स्पैरो, क्रो, पैरोट, बहुत सारी चिड़िया देखी हमने। तो हम उनके नाम लिख सकते हैं, बर्ड्स लाइक स्पैरो, क्रो, पीजन, ईगल एक्सेट्रा हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। दोनों बगल बगल में साइड में होती हैं उनकी आईज। ये स्पैरो, ये क्रो, ये पिजन, ये ईगल, इनके साइड साइड में आईज। द साइज ऑफ देयर आईज इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ देयर हेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्पैरो है इसकी पूरे हेड के कंपेयर में इसकी आईज का साइज बहुत ही स्मॉल है। इसके भी पूरे हेड के कंपेयर में इसके आईज का साइज बहुत स्मॉल है। इसके भी हेड के कंपेयर में आईज का साइज बहुत स्मॉल है। इसके भी हेड के कंपेयर में आईज का साइज बहुत स्मॉल है। और वहीं हम आउल का देखें तो इसके हेड, इसका हेड इतना बड़ा है और इसकी आंखें एकदम छोटी नहीं है, इसकी आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ज्यादातर बर्ड्स की जो आंखें होती हैं वो उनके साइड पे ही होती हैं। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। और ऐसा होने के कारण क्या होता है, वो दो अलग अलग चीजों पे फोकस कर पाते हैं। मतलब ये इसकी इधर भी साइड फोकस कर पा रहा है और ये जो है दूसरी आंख से इस साइड भी फोकस कर पा रहा है एक ही बार में। इस साइड से ये आगे यहाँ से और पीछे तक थोड़ा देख सकते हैं और यहाँ से पीछे तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये देख सकते हैं और इस आंख से यहाँ से लेके यहाँ तक का देख सकते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. और जब वो दोनों आंखों से सामने की तरफ देखते हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, तो यानी कि मतलब वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो एक ही चीज पे फोकस करते हैं अपने दोनों आंखों से। Next, you must have seen birds moving their neck very often. हमने देखा है बहुत बार चिड़िया जो है हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते रहती हैं, आगे पीछे करते रहती हैं। डू यू नो why? तुम्हें पता है क्यों वो अपनी गर्दन हिलाती हैं? मोस्ट ऑफ द बर्ड आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। उनकी आंखें जो हैं, बर्ड्स की आंखें जो हैं फिक्स रहती हैं और आंखें जो हैं उनकी मूव नहीं कर सकती, इसीलिए जो है
सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड, और इसीलिए बर्ड्स को जो है अपनी आंखें इधर उधर करनी पड़ती हैं, गर्दन मतलब आंखें इधर उधर नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें अपनी गर्दन इधर उधर घुमानी पड़ती है पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट, लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, एक और दोनों आंख से देखने में क्या फर्क पड़ता है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है जिसमें एक स्टूडेंट को खड़ा होने के लिए बोलेंगे और उसको बोलेंगे कि अपनी जो है राइट आई को कवर कर लो। अब हम राइट या लेफ्ट कुछ भी ले सकते हैं, राइट आई को कवर कर लो। तो यहाँ पे जो इसने राइट आई को कवर कर लिया है अपने हैंड से, और फिर इसके बगल में हम खड़े होके हैंड को अपने वेव करेंगे, लहराएंगे हाथ हवा में, और फिर जो है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या तुम्हें जो है अपने दोस्त का एक्शन दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है, विदाउट मूविंग योर नेक, अपनी गर्दन बिना हिलाएं। सो वॉट यू, इसको एक्टिविटी को जब हम करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे आंसर में, नो आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। अब बिना गर्दन हिलाएं हम नहीं देख पाएंगे इस साइड क्या हो रहा है, जब हम इस एक्टिविटी को करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। आप दोनों आंखें खोल लो लेकिन अपनी गर्दन ही घुमानी है और इसके एक्शन को देखने की कोशिश करनी है। नाउ आई वॉज एबल टू सी माई फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ माई आईज ओपन एंड विदाउट मूविंग माई नेक। अब जब एक आँख दूसरी आँख पे से हाथ हटा दिया है और अपनी गर्दन भी मूव नहीं कर रही है, अपनी गर्दन भी स्ट्रेट रखे, तभी वो देख पा रही है कि वो बगल में उसका फ्रेंड क्या एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, वॉट वॉज द डिफरेंस इन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, एक आँख से देखने में और दो आँख से देखने में क्या फर्क नजर आया, क्या फर्क नजर आया। जब हमें दोनों आंखें खुली थी तो हमें दूसरे चीज साइड का भी दिख रहा था, जब ये बंद थी तो इस साइड का हम नहीं देख पा रहे थे। दैट इज द डिफरेंस, विथ बोथ माई आईज ओपन आई कैन सी अ वाइडर रेंज, हमें ज्यादा दिखाई देता है जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो, रेंज ऑफ एरिया विदाउट मूविंग माई नेक, बिना हम गर्दन को हिलाए बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं दोनों आंखों से। Now here is a teacher note. Teacher के लिए एक note लिखा गया है। When a bird focus both eyes on an object, it can estimate the distance. जब कोई bird जो है वो अपनी दोनों eyes को focus करती है एक ही चीज पे, तो वो जो है इस चीज तक का distance जो है निकाल लेती है कि यहाँ से यहाँ तक का distance कितना होगा, वो उसको calculate कर पाती है, मतलब एक अंदाजा लगा लेती है। When its eyes focus on two different things, it increases its range of vision. जब ये दोनों साइड अलग अलग देख रही होती है, दोनों आंखों से दोनों साइड देख रही होती है, तो अपना जो है एरिया देखने का बढ़ा लेती है, बहुत ज्यादा चीज देख पाती है दोनों साइड जब देखती है। Children will understand their better, this better. One, they start observing the location of eyes of different birds while seeing with one eye and then with two eyes. Children will understand that how with two eyes the span of vision increases. जब children ये वाली activity करेंगे जो हमने ऊपर वाली activity करी, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा vision कैसे work करता है, कैसे जब हम एक आंख से देखते तो हमारा देखने का एरिया कम हो जाता है और जब दोनों आंख से देखते हैं तो देखने का एरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट व्हेन इट वाज इजियर टू कैच। अब एक एक्टिविटी करनी है जिसमें एक बच्चे को खड़ा होना है, उसको या तो एक बॉल ले सकते हैं या एक कॉइन ले सकते हैं, उसको हवा में उछालना है, पहले बार में दोनों आंखें खुली रहेंगी, उसको हवा में उछालना है और फिर जो है इसको कैच कर लेना है। जब दोनों आंखें खुली हुई थी तो कैच करना इजी हुआ,
अब जो है इसको एक आंख को बंद करके इसको उछालना है और कैच करना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वाला ज्यादा इजी था, दोनों आंखें खोल के एक्शन इसको कैच करना, एक आंख बंद करके इसको कैच करना। ऑफ कोर्स दोनों आंखें खोल के इसको कैच करना इजी था। सी व्हाट इज द आंसर। इट वाज इजियर टू कैच द बॉल विथ बोथ आईज ओपन। बॉल या कॉइन को जब दोनों आंखें हमारी खुली थी तो उसको कैच करना इजी था। नाउ इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। कैसा होगा अगर यहाँ से आंखें उठा करके हमारी ईयर्स की जगह पे लगा दी जाए। वॉट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। अब क्या क्या चीजें कर पाओगे तुम यहाँ पे अगर आईज लगी होंगी तुम्हारी तो, और क्या चीजें नहीं कर पाओगे। सी जब यहाँ पे आईज यहाँ सामने से हट के यहाँ पे लग गई है आईज, तो हम इस साइड का देख पाएंगे, इस साइड का देख पाएंगे, और जब हम दोनों आंखों से सामने का देखेंगे तो हम सामने की तरफ फोकस कर पाएंगे। मतलब जैसे बर्ड्स देख पा रही थी जब उनकी आईज दोनों साइड पे थी, जैसे वो देख पा रही थी वैसे ही हमें भी दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या आंसर है। इफ आई वुड हैव आईज इन प्लेस ऑफ माई टू ईयर्स देन आई वुड बी एबल टू सी ऑन माई लेफ्ट एंड राइट साइड क्लियरली विदाउट मूविंग माई नेक। तो हम जो है मैं राइट साइड में क्लियरली देख पाएंगे और अपने लेफ्ट साइड में क्लियरली देख पाएंगे, जिसके लिए हमें अभी गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। अपने लेफ्ट साइड में गर्दन घुमा के देखेंगे, अपने राइट साइड में गर्दन घुमा के देखेंगे, तो उसके लिए हमें गर्दन नहीं घुमाना पड़ेगा, हमारी आंखें ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, तो हम इससे जो है इजीली राइट साइड लेफ्ट साइड देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स ईगल्स वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters वॉट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। ये जो चिड़िया होती हैं, कौन कौन सी चिड़िया, स्पेशली काइट ईगल एंड वल्चर, ये जो है काइट, ये ईगल, ये वल्चर, वल्चर है ये। तो ये जो चिड़िया है, ये सारी चिड़िया जो है हम देख पा रहे हैं कि ये मांसाहारी वाली चिड़िया है, जो मांसाहारी है और जो शिकार करती हैं, जिन्हें नीचे से कुछ बहुत दूर से देख करके ऊपर से उड़ते हुए ही नीचे से जाके पकड़ना रहता है। तो ये जो है 4 times फार देख सकती है, मतलब अगर हमें 8 किलोमीटर दिखता है तो ये 8 4 32 times तक देख सकती है। मतलब हम 8 किलोमीटर देख पा रहे हैं तो ये 32 किलोमीटर तक देख सकती है। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters, 8 meters तक जो है देख पाती है, मतलब इनका देखने का एरिया जो है, जैसे हमें 25 सेंटीमीटर पे क्लियर चीज दिखाई देती है, ऐसे ही इन्हें 8 meters तक की चीज जो है अच्छे से दिखाई देती है। वॉट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter, हम जो है 2 meter से देख सकते हैं, वो 8 किलोमीटर दूर से भी उस चीज को देख सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है इसमें। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो हमें जो है गेस करनी है डिस्टेंस जो ईगल जो है स्काई से ग्राउंड पे पड़ी हुई रोटी को कितने डिस्टेंस से देख लेगी। सो आंसर इज एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 to 2 kilometers। मतलब ये जो है ईगल इस रोटी को कितने दूरी से देख लेगी, जब या तो 1.5 किलोमीटर दूर हो ये या फिर 2 किलोमीटर दूर हो, इतने दूर से ये रोटी को देख सकती है हवा में उड़ते हुए। नेक्स्ट डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स को भी कलर दिखाई देते हैं। सो हियर इज अ पिक्चर, यू कैन सी इन द पिक्चर एनिमल्स कैन नॉट
cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. Animals को उतने कलर नहीं दिखाई देते हैं जितने कि ह्यूमन बींग को, जितने कि हमें. ये जो है ह्यूमन बना हुआ है, ह्यूमन यानी कि इंसान. ये इंसान जो है इन्हें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्ड है, बर्ड को जो है बहुत थोड़ा थोड़ा सा डार्क दिखाई देते हैं हमसे. डॉग है, इसको ज़्यादातर ग्रीन कलर दिखाई देते हैं, ग्रीन एंड वाइट एंड ब्लैक तीन कलर दिखाई देते हैं, ज़्यादा कलर नहीं दिखाई देते हैं. और ये है लिजार्ड यानी कि छिपकली, इसे तो एकदम ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है. नाउ इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, ऐसा माना जाता है कि जो दिन में जो जानवर जगे रहते हैं, कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर्स देख सकते हैं. जैसे ह्यूमन बींग दिन में जगे रहते हैं, इंसान, चिड़िया दिन में जगे रहते हैं, कुत्ता दिन में जगे रहते हैं, इन सबको कुछ कलर दिखाई देते हैं. दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, और ऐसा माना जाता है कि जो रात में सिर्फ चलते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में ही चीजें दिखाई देती हैं. नेक्स्ट शार्प ईयर, नाउ वी विल टॉक अबाउट ईयर. अभी तक हम आईज के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे. इन क्लास फोर यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजली सी बर्ड्स ईयर, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद द फेदर्स. हमने क्लास फोर्थ में पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक में कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, और हमें ईजली दिखाई नहीं देते हैं उनके जो ईयर होते हैं. ये जो ईयर है यहाँ पे बना हुआ, ये कवर्ड हो जाते हैं इनके फेदर्स से. यहाँ पे ये फेदर हटा के इसका ईयर दिखाया है, यहाँ पे इसका ईयर हम देख सकते हैं, इसका ईयर है, इसका ईयर तो फेदर से कवर हो गया, हमें दिख नहीं रहा है. यहाँ पे ये ईयर है, तो ईयर जो है इनके फेदर से, इनके पंख से कवर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसा हमने क्लास फोर्थ में पढ़ लिया है. नेक्स्ट है नेम्स, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन, ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखना है जिसके हम ईयर देख सकते हैं. तो हम ऐसे 10 जानवरों के नाम लिख सकते हैं इसलिए जिसके हम ईयर देख सकते हैं, जैसे काउ, एलिफेंट, डॉग, बहुत सारे हैं उसमें हम लिख देंगे. सो हियर इज 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन आर डॉग, कैट, एलिफेंट, काउ, बफेलो, रैबिट, लॉयन, टाइगर, हॉर्स एंड मंकी. इन सबके कान हमें दिखाई देते हैं, और भी हो सकते हैं जो हम लिख सकते हैं. द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, हमारे कान से ज़्यादा बड़े कान होते हैं. ऑफकोर्स उसमें से एक है एलिफेंट, हमारे कान से बड़े होते हैं उसके कान. आंसर इज एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स आर एलिफेंट, डॉग, हॉर्स, बफेलो, काउ. इन सबके कान हमारे कान से बड़े होते हैं. नेक्स्ट है थिंग, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग, क्या उनके कान बड़े होने से या उनके कान छोटे होने से उनके सुनने की कैपेसिटी पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, उनने उनके सुनने की क्षमता पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, ये बोल रहा है. आई थिंक द लिंक इज दैट द लार्ज साइज ईयर ऑफ एनिमल्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स विच मेक देयर हियरिंग पावर स्ट्रोंगर देन आवर्स. सिर्फ इतना ही होता है कि जो बड़ा सा जो कान होता है लाइक एलिफेंट, वो क्या काम करेगा, सिर्फ आने वाली सारी साउंड को, बहुत सारी साउंड जो आएगी ये इसके पर्दे पर जो है टकराएगी, कान के बड़े पर्दे पर टकराएगी और सारी की सारी साउंड टकरा के अंदर की तरफ चली जाएगी. हमारा कान, ह्यूमन बींग का कान क्योंकि छोटा है तो इस पर बहुत सारी साउंड में से कम ही साउंड इस पर टकराएगी और ये कम ही साउंड मोड़ करके कान के अंदर जाएगी. तो इसीलिए ये जो जिनका कान बड़ा है उनका सुनने का क्षमता ज़्यादा अच्छा है इन कंपेयर टू छोटे कान वालों के. नेक्स्ट ट्राई दिस, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में कोई एक शांत जगह ढूंढनी होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, अपने दोस्त को कुछ दूरी पर खड़े होने के लिए कहेंगे. एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उससे बोलेंगे कि वो कुछ कहे सॉफ्ट आवाज में. द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी लोगों को ध्यान से सुनना है. देन
ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, और सभी लोग अपने कान के पीछे इसके जैसे हाथ लगा लेंगे, एज शोन इन द पिक्चर. लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, और उस दूसरे बच्चे को फिर से कुछ सॉफ्टली बोलने के लिए कहो. इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू. I could hear a sharper voice with my hands behind my ear. तो इस एक्टिविटी में पहले तो बच्चे को दूसरे बच्चे को जो है हमने कुछ दूरी पे भेजा और उसे कुछ कहने के लिए बोला. तो उस टाइम पे हमने अपने कान पे अपने हाथ नहीं लगाए थे और बहुत ही धीरे उसको बोलने के लिए बोला. तो जब वो बोल रहा था तो हमें कुछ सुनाई नहीं दिया. नाउ सेकेंड टाइम हमने क्या किया, अपने कान के पीछे अपने हाथ लगा लिए और फिर इससे कुछ बोलने के लिए कहा. तो जब इसने सेकेंड टाइम में कुछ बोला तो हमें कुछ कुछ सुनाई दिया. तो इससे क्या समझ में आया, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस. अब जो है नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं. इसमें दोनों हाथों से हमें अपने कान को बंद कर देना है और खुद कुछ बोलना है और देखना है क्या हम अपनी आवाज़ सुन पा रहे हैं. सो यस आई कैन हियर माई ओन वॉइस. सो आंसर होगा यस, हम अपनी आवाज़ खुद से सुन पा रहे हैं अपने कान बंद करने के बाद. ऐसा भी अक्सर बच्चे करते हैं, सिट नियर अ डेस्क, के डेस्क के पास बैठ जाओ, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, अपने हाथ से डेस्क को बजाओ, टेबल को, लिसन केयरफुली और ध्यान से सुनो. नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन पिक्चर, अब अपने कान को जो है टेबल पे लगाओ जैसा कि पिक्चर में दिखाया है. टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, और फिर से जो है टेबल पे अपने हाथ से बजाना है. लिसन अगेन और कान से ध्यान से सुनना है. वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ टैप, अब क्या कोई अंतर नजर आया हमें साउंड में. जब हम सीधे गर्दन रखे थे तब हमने साउंड निकाली और जब हमने कान चिपकाया है तब हमने साउंड निकाली, तो हमें क्या कोई अंतर नजर आया, क्या कोई अंतर सुनने मिला. सो आंसर विल बी येस, ऑफकोर्स हमें डिफरेंस सुनने मिला. जब हमने टेबल में लगाया था तो वाइब्रेशन भी फील होती है हमें. सो आंसर विल बी येस. व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क, जब मैंने अपना कान डेस्क पर रखा, आई कुड हियर अ शार्पर साउंड ऑफ द टैप, मुझे जो है टैप करने की बहुत ही शार्प साउंड सुनाई दी, बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दी जब मैंने डेस्क से अपना कान लगाया था. नेक्स्ट, दिस इज हाउ स्नेक हियर, और इसी तरीके से जो है स्नेक भी सुनता है. किस तरीके से, क्योंकि स्नेक जो है सरफेस पे लगा रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो स्पेस जो ज़मीन रहती है उस पर जो वाइब्रेशन फील होती है उसे साउंड की, उसी से वो जो पता लगाता है, सुनने का काम करता है. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं, यहाँ पे बाहरी कान उनके नहीं होते हैं. विच यू कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं. दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, ये जो है सांप जो है ज़मीन पे जो वाइब्रेशन होगी उसी को फील करते हैं, उसी को फील करके सुनने का काम लेते हैं. नेक्स्ट, साउंड्स सेंड मैसेजेस, साउंड जो है मैसेज सेंड करने का काम भी करती है. कैसे, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंट साउंड निकालते हैं. जब उन्हें कोई डेंजर फील होता है तो अलग साउंड निकालते हैं, जब उन्हें किसी दोस्त को बुलाना रहता है तो अलग साउंड निकालते हैं, ग्रुप को बुलाना रहता है तो अलग साउंड निकालते हैं, और इस तरह से जो है वो मैसेज देते हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स एनिमल्स को. नाउ हाई अप ऑन द ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और अ लियोपॉड, मतलब जो एक लंगूर है पेड़ पे टंगा हुआ है वो दूर से देख रहा है कि कोई जो है टाइगर या लियोपॉड उनके तरफ आ रहा है, तो वो एक अजीब सी साउंड निकालेगा और सभी को बताएगा कि कुछ डेंजर है. इससे क्या होगा, उसका पूरा ग्रुप अलर्ट हो जाएगा. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल, और जो है लंगूर ऐसा कैसे करेगा, एक स्पेशल वार्निंग कॉल देगा. वार्निंग कॉल मतलब अलर्ट हो जाओ सभी के सभी कि ऐसा कुछ खतरे वाला स्थिति आ रहा है. नेक्स्ट, बर्ड ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स, बर्ड भी जो है अलार्म कॉल्स देती हैं टू वार्न अबाउट द डेंजर, डेंजर के बारे में बताने के लिए. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स, कुछ चिड़िया के पास अलग साउंड होती हैं,
फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, अलग अलग डेंजर के लिए वो अलग अलग आवाज़ निकालती हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग, अलग साउंड होती है जब कोई शत्रु या कुछ एनिमी आ रहा होता है. फ्रॉम द स्काई, स्काई से, तब वो अलग साउंड निकालती हैं. इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, और जब उनका एनिमी जो है ग्राउंड पे होता है तो अलग साउंड निकालती है. तो इस तरह से बर्ड के पास भी अलार्म कॉल करने का जो है अलग अलग साउंड्स निकाल करके वो अलार्म कॉल करती हैं और अपने को डेंजर से बचाती हैं. नेक्स्ट, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल. जो फिशेस होती हैं वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल देती हैं जब उन्हें कोई डेंजर डेंजर लगता है कि हाँ कुछ डेंजर होने वाला है, तो अपने बॉडी से जो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती हैं. नेक्स्ट, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम. कुछ एनिमल जो हैं बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं जब कोई अर्थक्वेक, भूकंप या फिर कोई तूफान आने वाला होता है, जस्ट आने वाला होता है. पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, कम टू नो ऑफ द डेंजर. जो पीपल, जो लोग जंगल में रहते हैं, वो जानवरों की ऐसी हरकतों को रोज देखते हैं और इसीलिए वो जानते हैं कि हाँ कुछ डेंजर है, कुछ अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ तूफान आने वाला है, वो लोग जान जाते हैं. जो जानवरों के साथ रह पाएगा वही ये सब ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कहीं पे अर्थक्वेक आता है, हम तब कोई जानवर की एक्टिविटी को अगर देखें आने वाला रहता है तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं. जैसे चिड़िया उड़ के अचानक से ग्रुप्स में दूर जाने लगती हैं, ये देखने के लिए मिलता है हमें, पिक्चरों में देख सकते हैं, ऐसा दिखाया जाता है. नेक्स्ट, इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड्स नोटिस्ड द एनिमल बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. दे गेस्ड सम डेंजर सो दे मूव्ड अवे टू सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. सूनर आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय अ सुनामी बट दीज पीपल वर सेफ. यहाँ पे कुछ टाइम दिसंबर 2004 की बात है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे उसमें से एक आइलैंड्स पे वहाँ के रहने वाले ट्राइब के लोगों ने देखा कि जो जानवर हैं वहाँ पे कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उन्होंने जानवरों के इस अजीब तरीके के बिहेव को इग्नोर ना करते हुए उसको ध्यान से लिया कि ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है, और उन्होंने अपने रहने की जगह को छोड़ के एक सेफ प्लेस पे जल्दी से चले गए. और उसी के कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो है बहुत बड़ा सुनामी आया. सुनामी आने के जो है समुद्र में से बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची लहरें उठ के आती हैं और पूरा इलाका पानी में डूब जाता है, ऐसा सुनामी आया. तो इस कारण से वो जानवरों का ऐसे बिहेवियर देखने के कारण वो सभी लोग बच गए. नेक्स्ट, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. डॉल्फिन्स भी जो है डिफरेंट आवाज़ निकालती हैं. जो डॉल्फिन जानवर हैं, पानी में रहने वाली मैमल जानवर हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो एनिमल हैं उनकी अलग अलग ही अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें वो बात करते हैं. नेक्स्ट, राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स, क्या तुम कुछ एनिमल्स की आवाज़ साउंड समझ सकते हो, कौन से एनिमल की साउंड तुम समझ सकते हो. आंसर इज यस, आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट. जिनके घर में काव है वो काव की भी साउंड लिख सकते हैं. नेक्स्ट, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझते हैं, कौन से जानवर तुम्हारी भाषा भी समझते हैं. यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, पैरोट कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. कुछ जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और तोता, ये हमारी भाषा भी समझ सकते हैं. Say it with word sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound. Birds and dolphin की तरह भी तुम अपनी भी
एक लैंग्वेज बना सकते हो फॉर गिविंग मैसेजेस देने के लिए. रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स. हाउ एंड वेयर विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग इन द क्लासरूम. तुम अपनी भी एक साइन लैंग्वेज बना सकते हो इसमें ये कह रहा है, और तुम साइन लैंग्वेज में अलग अलग साउंड रख सकते हो, जैसे कि एक अलार्म कॉल रख सकते हो, किस टाइम के लिए एक अलार्म कॉल रख सकते हो, कब तुम्हें जरूरत पड़ती है एक अलार्म कॉल देने की. ऑफ कोर्स जब टीचर क्लास में आती हैं तो दूसरे बच्चों को बताने के लिए कि टीचर क्लास में आ रही हैं, डायरेक्टली ये सेंटेंस ना बोल के कि टीचर क्लास में आ रही हैं, कुछ और तरीके से क्लास वालों को बताना कि हाँ टीचर आ रही हैं, एक सीटी बजा के या एक वेव हैंड करके या कुछ भी अलग से बोल के. तो ये जो है एक साइन लैंग्वेज बना सकते हो जिससे बच्चों को पता चल जाए कि हाँ क्लास में टीचर आने वाले हैं. ऐसे ही अलग अलग चीज़ के लिए, जैसे खेलने बुलाने जाना है दोस्त को, तो हम उसके घर के बाहर जाके ये ना बोले कि हाँ चलो खेलने के लिए चलते हैं, जिससे मम्मी को पता चल जाएगा. तो हम उसकी जगह कुछ और एक कोड वर्ड बना सकते हैं अलग से, जिससे कि तुम अपना मैसेज भी दे सको और पता भी ना चले किसी को. नेक्स्ट है स्लीपिंग वॉकिंग. स्लीपिंग वॉकिंग मतलब सोते हुए चलना. सी सम एनिमल्स गो इन टू लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स. सो स्लीपिंग वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि सोते हुए चलना. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे समय के लिए सोने के लिए चले जाते हैं कुछ सीजन में, कुछ मौसम में. ऐसा वो क्यों करते हैं? Have you noticed that during cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? जब हम गर्मी के सीजन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी छिपकली हमें नजर नहीं आती. क्यों नजर नहीं आते हमें कोई भी छिपकली सर्दी के सीजन में? वो कहाँ चले जाती हैं? हमारे घरों में एक भी छिपकली नहीं दिखाई देती उस टाइम पे. क्या लगता है कि वो कहाँ चले जाती हैं? So yes, I have noticed that the lizards are not seen during the cold season. I think they must have gone for long sleep at a warm place to escape cold. और मुझे लगता है कि वो छिपकली जो है हमें नहीं दिखाई देती हैं विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में वो जो है कहीं एक गर्म प्लेस पे चली जाती होंगी जहाँ पे वो लंबे समय के लिए सोए रहती हैं, और जब गर्मी आ जाती है तो फिर से वो हमें दिखाई देने लगती. नेक्स्ट यहाँ पे टीचर के लिए नोट दिया है. द लेसन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सेवरल एनिमल्स विद सेंसिटिव सेंस. एनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड आउट मोर सच एनिमल सेंसेस फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, टीवी प्रोग्राम एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जो है टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी दी है जिसमें हमें एनिमल्स के सेंसेस के बारे में और पता लग करना है, चाहे न्यूज़ से हो या फिर किसी और चीज़ से. नेक्स्ट यहाँ पे एक फोटो दी गई है, एक न्यू एनिमल है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है. ये एनिमल कुछ कुछ जो है बियर के जैसे, भालू के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये भालू नहीं है. सी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ है इस जानवर का नाम. इट लुक्स लाइक अ बियर, ये एक भालू की तरह दिख रहा है लेकिन ये भालू नहीं है. इट इज अ स्लॉथ, ये है स्लॉथ. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, ये जो एक दिन में से 17 घंटे जो है सोने में ही बिताता है, एक दिन में 17 घंटे ही सोता है. हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ करके ये जो है ब्रांच में लटक के सोता है. द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और इसे किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं होती. व्हेन इट हैज ईटन enough leaves from that tree, जब उसने उस पेड़ की पत्तियाँ लगभग पूरी ख़त्म कर चुकी होती हैं, it moves to the nearby tree, और तब वो दूसरे पेड़ पे चले जाता है. Sloth live for about 40 years, ये 40 years तक जीते हैं, and in that time they move around only 8 trees, और इतने 40 साल के अपने time period में ये जो है कम से कम जो है लगभग 8 पेड़ ही बदल पाते हैं. Once a week, it comes down from the tree to relieve itself. और
एक वीक में यानी कि 7 डेज में एक बार ही ये पेड़ से नीचे उतरते हैं और इन्हें जो भी फ्रेश होना रहता है फ्रेश होते हैं और फिर से वापस पेड़ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है, ये जो है एक क्लॉक दी गई है जिसमें यहाँ पे 0 बजे हैं, बाद में 24 बजेंगे, यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे 12 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे 18 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे 24 घंटे हो चुके हैं। स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉथ दिखाया गया है, बताया है कि वो 17 से 18 घंटे सोता है, तो यहाँ 1 से लेकर के 18 तक का मार्क कर दिया गया है जिससे पता चलता है कि वो 17 घंटे सोता है, 17 18। टाइम ऑफ फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, और ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है हमें इतने टाइम वो जो है यानी कि 18 से लेकर 24 यानी कि 6 घंटे जो है वो जगा रहता है। इफ यू आर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन 24 आवर क्लॉक, दिस इज वॉट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अगर हमें दिखाना हो 24 घंटे की घड़ी में कि स्लॉथ का जगने का और सोने का टाइम क्या है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजार्ड इन विंटर। हाउस लिजार्ड जो है सर्दियों में दिखाना हो, सर्दियों में हाउस लिजार्ड कितने घंटे सोती है, तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, सर्दियों में जो हाउस लिजार्ड होती है छिपकली होती है वो कितने घंटे के लिए सो जाती है, पूरे 24 आवर्स के लिए सो जाती है, तो हम इस पूरे को कलर कर देंगे, मतलब कि 6 आवर्स वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे पूरे कलरफुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि सर्दियों में जो है ये 24 घंटे सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ इन दिस इट इज गिवन गिवन हियर इज स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। यहाँ पे जो है कुछ जानवर दिए हैं, यहाँ पे उनका जो है 24 आवर की जो है क्लॉक दी हुई है और हमें बताना है कि कितने घंटे जो है जानवर सोएगा। सो यर 0 है, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 2 का टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 2 4, तो ये जो है 4 आवर्स होएगी काऊ जो है, इसका टाइम जो है सोने का 4 आवर। पाइथन जैसे हम यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे, 0 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, तो ये जो पाइथन है ये 18 आवर्स सोएगा। जिराफ 0 2, जिराफ सिर्फ 2 आवर्स सोएगा। कैट 0 2 4 6 8 10 12, कैट जो है 12 आवर्स सोएगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। तो ये जो है हमें खुद से करना है, हम कुछ जानवर को देखते हैं तो क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में, इसको हमें खुद से लिखना है, तो फिर ये क्वेश्चन हम लिखने के बाद जाके अपने टीचर से इनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ ये जो है फोटो दी हुई है बुक में, एक टाइगर की फोटो दी है और उस टाइगर के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो हम एक एक करके जानकारी देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, तो हम एक एक करके देखेंगे जानकारी। फर्स्ट इज रिटन, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो ये जो टाइगर रहते हैं ये हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं रात में। नेक्स्ट, द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन इन एयर, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो विस्कर्स क्या होते हैं, ये जो मूछ पे जो बाल होते हैं, ओके मूछ पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं इसको विस्कर्स बोलते हैं, ये विस्कर्स लिखा हुआ है, ये विस्कर्स होते हैं, ये विस्कर्स क्या करते हैं, इनको रात को चलने में हेल्प करते हैं, ये जो है फील करते हैं वाइब्रेशन को, अगर इसके आसपास कुछ वाइब्रेशन हो रहा होता है
तो ये उसको फील करते हैं और इन्हें आगे मूव करने में रात में अंधेरे में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीफ एंड द साउंड्स ऑफ एन एनिमल। ये जो इसके कान होते हैं, इसकी सुनने की शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि पत्तों की लहराने की आवाज़ जो है, पत्तों की सरसराने की आवाज़, उसके बीच में और कोई जानवर आ रहा है उसके बीच में भी ये डिफरेंस कर सकते हैं कि खाली पत्ते सरसर आ रहे हैं या कोई जानवर आ रहा है, इसके बीच में हम भेद ना कर पाए। पर ये जो है इसके कानों में, इसके कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि दोनों के बीच में भेद कर पाते हैं। मूविंग ऑन द ग्रास, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और ये जो है इसके कान अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, ये आगे हैं, ये इन कानों को पीछे की तरफ को भी मोड़ सकते हैं, और ये जो है इनकी हेल्प करता है दूसरी तरफ से भी साउंड सुनने में। नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस। इट कैन ऑल्सो रोर, स्नैर, इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। टाइगर्स जो हैं अलग अलग साउंड निकालते हैं अलग अलग चीज़ के लिए, जब इन्हें खेलना होता है दूसरे शेर टाइगर्स के साथ, तो ये अलग कम सी साउंड निकालते हैं। दहाड़ने को रोर बोलते हैं, ROR, रोर, रोर करते हैं, दहाड़ते हैं ये लोग, और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग साउंड निकालना रहता है। नेक्स्ट, ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। अलग अलग टाइगर का अलग अलग एरिया होता है जो बहुत किलोमीटर तक भी हो सकता है। टाइगर्स मार द एयर एरिया विद देयर यूरिन, और अपने यूरिन से जो है अपने एरिया को मार्क करके रखती हैं ये टाइगर भी। ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। और ये टाइगर भी कैसे पता लगाते हैं कि हमारे एरिया में कोई दूसरा टाइगर एंटर कर गया है, उसकी यूरिन से स्मेल करके। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया। एक टाइगर जो है दूसरे टाइगर के एरिया में जाना अवॉइड करते हैं, मतलब वहाँ दूसरे के टाइगर के एरिया में नहीं जाते हैं ना। अभी हमने टाइगर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन इसकी एक सेकेंड साइड भी है, क्योंकि टाइगर जो है हमारे कंट्री में बहुत कम बचे हैं, तो ये कम होते जा रहे हैं क्योंकि इनका जो है शिकार किया जाता है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है जो हमें देखने के लिए मिलती है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। क्योंकि ये बहुत अलर्ट एनिमल रहने वाले हैं, फिर भी ये आज जो है बहुत डेंजर में, आप देख सकते हो इन पिक्चरों में, ये टाइगर्स जो हैं मरे हुए पाए गए हैं या फिर बीमार हैं, इनको वेट के पास ले जाया जा रहा है, इनकी हालत बुरी देखने के लिए मिलती है। What do you think are some of the dangers to tiger in the jungle? तुम्हें क्या लगता है कि जो जंगल में भी रहते हैं कुछ टाइगर के लिए कुछ खतरा हो सकता है जंगलों में, उनके लिए क्या खतरा? So here is poaching, poaching में शिकार करना, and illegal hunting, अवैध रूप से शिकार करना, are the biggest threats for tigers। और ये दो ही कारण हैं जो टाइगर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बने हुए हैं, विच कैन इवन कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस एनिमल। एक्सटिंक्शन मतलब कुछ साल बाद ये ख़त्म हो जाएंगे अगर ऐसे ही हाल रहा तो। बिसाइड दिस डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग टाइगर्स टू लूज देयर नेचुरल होम्स। इन सब के अलावा इनके कम होने का एक ये भी कारण है कि जंगल बहुत तेज़ी से कटते जा रहे हैं, इनका नेचुरल होम ख़त्म होते जा रहा है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली डेंजर में आ जाते हैं, मेकिंग देयर सर्वाइवल टफ। और क्योंकि उन जंगल कट रहे हैं तो उनका रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग मतलब शिकार करना, मतलब एरो लेकर के या फिर बंदूक के हेल्प से जानवरों को मार देना, उसको शिकार कहते हैं। शिकार जो है उनके कीमती चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे टाइगर का शिकार उसकी स्किन के लिए किया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो है स्किन पकड़ी गई है जो पोचिंग करने वालों के पास से पाई गई है। नेक्स्ट, कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या
इंसानों को भी जानवरों के जैसे बिहेव किया जा सकता है, कैसे? यस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स. ह्यूमन बींग्स जो है जानवरों को मारते हैं छुपने के लिए, उनके अदर बॉडी पार्ट्स के लिए. ऑल्सो फॉरेस्ट आर बींग डिस्ट्रॉयड टू डेवलप इंडस्ट्रीज एंड बिल्ड होम्स ड्यू टू विच द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स इज रिड्यूस्ड. जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं वही एनिमल्स को परेशान कर रही हैं, उन्हीं की परेशानियों का कारण बन रही हैं. कैसे बन रही हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज बना दी जा रही हैं, मतलब कारखाने बना दिए जा रहे हैं, जंगलों को काट दिया जा रहा है, नए जंगलों को काट दिया जा रहा है, तो उनके रहने की जगह नहीं रह रही है. ये सब कारण है जिसके कारण जानवरों को परेशानी हो रही है. नेक्स्ट, डू यू नो दैट टूडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. क्या तुम जानते हो आज बहुत से जानवर हैं जिन्हें मार दिया जाता है और उनके पार्ट्स को बेचा जाता है. यहाँ पे हम देखेंगे कुछ. फर्स्ट है, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. ये जो है इसको, जो सामने वाला दांत होता है इसको टस्क बोलते हैं. इस टस्क के लिए बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे एलिफेंट्स को मार दिया जाता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एलिफेंट के टस्क रखे हुए हैं, कितने सारे अमाउंट में रखे हुए हैं. तो हम सोच सकते हैं कि एक एलिफेंट के पास सिर्फ दो ही टस्क होते हैं, तो यहाँ कितने एलिफेंट्स को मार करके ये टस्क इकट्ठा किया गया होगा. ये टस्क पुलिस ने पकड़ा हुआ है, जो शिकारी इनके इनके पास इकट्ठा रहता है उनके पास से ये जब्त किया हुआ इतना सारा मिला है. ये देख सकते हैं ये एलिफेंट के टस्क से डिज़ाइन किए करके बनाया गया है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है. इसी कारण से इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसका एलिफेंट का टस्क, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में. अब इतना सुंदर इससे बनाया गया है डिज़ाइन, तो इसकी कीमत और ज़्यादा हो जाएगी, और इसीलिए एलिफेंट को जो है उसके टस्क के लिए मार दिया जाता है. नेक्स्ट, राइनासोर्स, ये जो गैंडा है, फॉर हिज हॉर्न, इसका जो आगे का एक सींग है इसके लिए जो है इसको भी मार दिया जाता है, इसका शिकार किया जाता है. यहाँ पे देख सकते हो कि इसका, इसको मार दिया है और यहाँ से इसका सींग निकाल लिया गया है. कितनी बुरी तरीके से दिखाई दे रहा है. यहाँ पे भी देख सकते हो इसका सींग निकाल लिया गया है और इसके आंखों से आंसू भी बह रहा है. ऑफ कोर्स दर्द होता होगा. ये राइनासोरस के जो है सींग जो है आगे का एक हॉर्न जो है, बहुत सारा कोचिंग जो करते थे लोग उनके पास से पकड़ा गया है. कितने सारे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये भी. नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर्स क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर देयर स्किन. ये टाइगर क्रोकोडाइल और स्नेक को भी मार दिया जाता है उनकी स्किन के लिए. यहाँ पे देख सकते हो टाइगर की स्किन, क्रोकोडाइल की स्किन और ये स्नेक की स्किन. क्या होता है इनकी स्किन का देखते हैं. टाइगर की जो स्किन है कभी कभी ड्रेस बनाने के काम आती है, देखा है हमने. क्रोकोडाइल की स्किन का क्या होता है देखते हैं. क्रोकोडाइल की जो स्किन है कभी कभी जैकेट बनाने के, पर्स बनाने के, लॉन्ग जैकेट बनाने के, पर्स, शूज, ये सब बनाने के काम में आती है. देख सकते हो जो इतने शाइनिंग वाले चीज होते हैं, तो देख के समझ जाना कि ये जो है जानवरों की खाल से ही बने हैं, एंड उसके बनाने के लिए जरूर किसी जानवर को मारा ही गया होगा. स्नेक से भी पर्स बनाए गए हैं, बेल्ट बनाए गए हैं, जैकेट बनाए गए हैं. तो अगली बार से ये सब लेने से पहले जरूर सोचना कि इसको जो है किसी जानवर से ही मार के निकाला गया होगा. नेक्स्ट, मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क. ये मस्क डियर है, इसके जो मस्क डियर जो है इसकी जो ऊपर का स्किन है इससे बहुत खुशबू आती है, एक अलग सी खुशबू आती है, और इसी के लिए इसको जो है मार दिया जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं मस्क जो है उसको शिकार कर रहे थे, वो फिर कैसे बुरी हालत में पड़ा हुआ है. नेक्स्ट है, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स. जो लोग जानवर को मारते हैं उन्हें हंटर या पोचर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है, यहाँ पे द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग. देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपीयर. हमारे कंट्री में जो है टाइगर और कुछ और जानवरों की नंबर बहुत ही तेजी से कम होते जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्दी ही ये जानवर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे. टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया. और इन सबको बचाने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है. सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क.
जिसमें से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर में घाना है। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। और इन एरिया में हंटिंग करना मतलब जानवरों को शिकार करना मना है, और वहाँ पे कोई जंगलों को काट भी नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तराखंड। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तराखंड में तस्वीरें दिखाई गई हैं। यहाँ पे जो जानवर होते हैं इन्हें नेचुरल तरीके से ही रहने दिया जाता है, और लोग उन्हें दूर से ही बस देख सकते हैं। ये भी खुले में रहते हैं और ये भी एकदम आके इनको देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें किसी तरह की कैद में नहीं रखा जाता है, और यहाँ पे ना ही कोई शिकार करता है, ना ही यहाँ पे जंगल काटे जाते हैं इस एरिया में। नेक्स्ट घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के भरतपुर में घाना नेशनल पार्क बना है। इसमें भी जंगल ही है, और यहाँ पे भी जंगल में कोई कटाई नहीं की जा सकती, जानवर यहाँ आराम से रहते हैं। ये भी उसी की एक फोटो है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। अदर नेशनल पार्क कहाँ है इंडिया में, तो हम यहाँ जो है एक लिस्ट देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम। तो ये जो है कुछ नेशनल पार्क की तस्वीरें हैं जो हमारे कंट्री में हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, इसमें कटाई करना मना है, इसीलिए अच्छे से अभी भी बचे हुए हैं। नेक्स्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक रिपोर्ट अपने से लिखनी है। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट वी हैव लर्न वी विल सी। फर्स्ट हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग सो। देखा होगा हमने जब कुछ सिंगर्स गाना गा रहे होते हैं तो अपने कान पे एक हाथ रखते हैं। वो अपने कान पे हाथ क्यों रखते हैं, क्या लगता है वो किस लिए रखते हैं? सो यार पहले तो ये बात है, क्या तुमने देखा है? तो आंसर आएगा यस, आई हैव नोटिस दैट सिंगर्स समटाइम्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग। क्यों करते हैं वो ऐसा, या वो कान कुछ गा रहे होते हैं तो अपने कान पे हाथ रखते हैं, किस लिए रखते हैं? दे डू सो, दे डू दिस टू लिसन टू देयर ओन वॉइस एंड हैव कंट्रोल ऑन इट। वो अपना कान को बंद करते हैं और अपने ही आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारा कान बंद करने के बाद भी हमें हमारी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो अपना कान बंद करते हैं और अपनी ही आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, और सुन के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट हियरिंग और स्मेल। ऐसे जानवरों का नाम बताओ जिनके पास बहुत ही मतलब देखने की अच्छी सेंस हो, सुनने की अच्छी सेंस हो और सुनने की अच्छी सेंस हो। ऐसे जानवर हैं एनिमल्स विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, ईगल, वल्चर, हॉक। ये जो ईगल, वल्चर, हॉक ये जो होते हैं शिकार करने वाले पक्षी, इनकी जो है सेंस ऑफ साइट बहुत ही अच्छी होती है। सेंस ऑफ हियरिंग में देखें तो सेंस ऑफ हियरिंग जो होती है, सेंस ऑफ हियरिंग किसकी अच्छी होती है? डॉग की अच्छी होती है। और सेंस ऑफ स्मेल में अगर देखें तो स्मेल वाली भी जो है डॉग की अच्छी होती है, कैट की भी अच्छी होती है सेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट टीचर्स नोट डिस्कस विद द चिल्ड्रन द वेरियस थ्रेट्स टू द टाइगर पोचिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर रोड्स डैम्स ह्यूमन सेटलमेंट्स फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। ये सब के बारे में टीचर्स को स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना है कि कैसे पोचिंग क्या होती है, और जो जंगल काटे जा रहे हैं वो क्यों काटे जा रहे हैं, जंगल ख़त्म क्यों हो रहे हैं, जानवरों का जानवर क्यों इतने मुश्किल में पड़ गए हैं, जानवर क्यों ख़त्म होने वाले हैं, जंगलों की आग के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, रोड बनाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, डैम्स बनाने के लिए जंगलों को उजाड़ा जाता है, ये सब चीज़ के बारे में टीचर्स और स्टूडेंट को एक डिस्कशन करना है क्लास में। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।